आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। और हमारे साथ पीड़ित अभ्यर्थी अभय सिंह यादव जुड़ चुके हैं। अभय, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और ये भी बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हम 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। मैम, अब ये जब जाहिर है कि ओबीसी एससी के साथ क्या हो रहा है, तो उससे ज्यादा तो मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा। 2020 से आज 2023 को आने आ रहा और हमको इस बात की सजा दी जा रही कि हम ओबीसी एससी हैं। इस आप जो आजकल न्यूजों पे और काफी सोशल मीडिया पे चल रहा ना, हिंदू खतरे पे नहीं है, ओबीसी हिंदू खतरे पे। अगर एक नजरों से एक मुख्यमंत्री हमको देखता तो हम आज किसी स्कूल में होते। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं केवल आत्महत्या के, तो हम योगी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, या तो हमें नियुक्ति दें या तो इच्छा मृत्यु की हमें आज्ञा दें, जिससे हम ये समाज छोड़ के जाएं जिसमें ये द्वेष भरा समाज, ठीक है, हमको छोटा समझने वाला समाज, हमको शिक्षक ना बनने देने वाला समाज, इस समाज में हम जी के नहीं कुछ करना चाहते। जिस समाज में हमें केवल इस वजह से शिक्षक नहीं बनाया जा रहा कि हम ओबीसी एससी हैं, ये कितना, मतलब आप समझ लीजिए हम लोग मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होंगे कि हमें ओबीसी एससी होने की वजह से हमें नौकरी नहीं करने दी जा रही। 2021 में मुक्ता कुशवाहा हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया गया, राहुल कुशवाहा का सर फाड़ दिया गया, और वो भी उस दरवाजे पर उनका हाथ और सर फाड़ा गया जिस समाज से वो आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पे राहुल मौर्य का सर फाड़ा गया जिसको वो हितैषी बनाते हैं। चलिए, आप ओबीसी समाज के हितैषी नहीं है, कम से कम अपनी जाति विशेष के तो हितैषी हो सकते हैं। आपने उनका सर फाड़ा, क्या दूसरे समाज की, देखिए हमें किसी, हम शिक्षक हैं, हमें किसी समाज से कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए इसी लखनऊ की धरती पे, आप लोगों से क्या छुपाना, फाड़े गए कि नहीं फाड़े गए? क्या ओबीसी एससी इसलिए बना कि हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के ऊपर कपड़े फाड़ दिए जाए जब हम लोग अपना हक मांगने जाए? 3 साल से हक मांगने जा रहे हैं, किसी की आंखों में आंसू नहीं आया। और देखिए, लॉलीपॉप आप देख रही हैं कि हमारे समाज का हम लोगों को मंत्री दे दिया गया, संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पुत्र, मतलब कि नाती पोते हैं, लेकिन वो हमारे लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, हमसे मिलने का समय नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा ना कि अब तो हम एक मंत्री बन गए हैं, अब तो हम ऊपर हो गए हैं, हम ये हो गए वो हो गए। भूले ना, ये सरकार कभी किसी की नहीं हो सकती। अगर हमें वो नीचा समझ करके हमें नौकरी से हटा, कल आपकी भी मंत्री पद पे हटाएगी आपको, तब आपको समझ में आएगा। हम लोगों को मैम कितना, कल हमारे साथी कुछ सुनने में आया है कि आत्महत्या कर लिए हैं, अगर ये पूरी पुष्टि हो जाती है तो ये कितना समाज के लिए है कि अपना हक मांगने पर नौकरी नहीं मिल रही, हमें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा। आप बताइए हम क्या करें मैम। अब है इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे किस तरह देखते हैं आप, कितने सहमत हैं उस फैसले से? देखिए, हमारा हाई कोर्ट से हम सहमत हैं, लेकिन हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के हम पक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये आपको क्या लग रहा है ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने लिखा है? अगर हाई कोर्ट ये ऑर्डर लिखता तो मैम हम लोग आज की डेट में हम लोग लड्डू बांट रहे होते। अब समझ लीजिए घर आने में कितनी शर्मिंदा हो रही, अपनी माँ को मैं पिछले 1 साल से भरोसा, अरे माँ भरोसा रखो मुझे नौकरी मिल गई है, अब तो सब दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों को समझ लीजिए 90 दिन बाद ऑर्डर दिया गया, उसके बाद भी हमारे विरुद्ध में दिया गया। मैम आप समझ रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो हमें दिया गया है, हमारे पक्ष में दिया गया है, एक घुमा फिरा करके हम लोग साथ और अन्याय किया गया है। उन लोग कितना खुश होंगे कि चलो और इनको रोन दो, जो हमारे 5 से 6 हजार भाई बहन है वो और बाहर आएंगे। तो मैम ऐसी मानसिकता वो माननीय उच्च न्यायालय कभी ये ऑर्डर दे ही नहीं सकता, कि कभी उनका ऑर्डर आपको लग रहा है? ये एक सोचा समझा ऑर्डर है कि जिससे ओबीसी एससी सूत्रों का हनन किया जाए। तो मैम आपको पता है सब कि क्या आज के समाज में हो रहा है, हम लोग कहां जाएं? हमारे नेता केवल वोट मांगने के लिए हमारे नेता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम हिंदू तब तक है जब तक हम उनको वोट नहीं दे दे रहे। जिस दिन वोट मिल जाता है, हम ना हिंदू है ना हम इंसान है, बस ना हम शिक्षक योग्य होने के बाद आज हम समझ लीजिए मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। हम किस समाज में जी रहे हैं? अब
केशव प्रसाद मौर्य एक जुबान से बोल देते कि हम आपके साथ खड़े, हम मानते वो हमारे नेता है। राकेश सचान एक जुबान से बोल देते कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो हम लोगों को लगता। अनुप्रिया पटेल दीदी हर मंच से 69,000 की बातें करती थी 2022 के चुनाव से। जिस दिन से वो चुनाव जीत गए, उनके पति कैबिनेट मंत्री बन गए, उस दिन से एक बार आप बता दीजिए कि उन्होंने कभी 69,000 के लिए लड़ाई लड़ी हो। वो इतनी बड़ी मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। अगर मोदी जी के पास जाती कि हमें अपने समाज के लिए हक की लड़ाई लड़नी है, तो क्या ये एक महीने से ज्यादा लड़ाई लड़नी थी? अगर आपका बुलडोजर किसी का घर तोड़ना है तो एक हफ्ते में ऑर्डर आ जाता है, सब हो जाता है, लोगों के घर टूट जाते हैं। जब ओबीसी एससी को न्याय देने की बात आती है, तब आपका बुलडोजर क्यों नहीं निकलता? मंत्रियों, आप द्विवेदी के घर पे आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपने प्रताप सिंह बघेल के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, जिन्होंने हमारे लिए इतना गलत, हमारे लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे साथ आरक्षण का घोटाला, उनके घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चला? आप बताइए, क्या बुलडोजर केवल डराने के लिए है? ओबीसी एससी के लिए बुलडोजर नहीं निकलेगा? जब आपके समाज में होगा तब आपका बुलडोजर निकलेगा। हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए तब बुलडोजर क्यों नहीं निकला? मैम बताइए, हम लोग क्या करें? आप इसका जवाब, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए जिससे हम लोग लड़ पाए। नहीं, इस सरकार से ओबीसी एससी नहीं लड़ सकता, हम लोग केवल केवल सुसाइड करेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी हिम्मत है, बोल लो, जो जिस दिन हिम्मत से टूटूंगा लगता है समाज में जीने लायक नहीं। ये मांग कब तक चलेगी, ये धरना कब तक चलेगा? सबसे पहला तो हम लोग मैम, हम लोग दशरथ मांझी को मानने वाले लोग हैं, जो 20 किलोमीटर का पत्थर तोड़ करके रोड बना देंगे। हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके खून हमारे अंदर दौड़ रहा है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम संविधान लिख देंगे, तो हम क्या इनको छोड़ देंगे? ये भूल रहे हैं, इन्होंने बहुजनों से मुकाबला है। हम लोग भले कमजोर है लेकिन हम लोग मानसिक रूप से मजबूत है और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और क्या ये हमसे मतलब, हम आखिरी सुप्रीम कोर्ट तक अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कि कितना हमको दबाएंगे हम? बाबा जब हम, मेरे मैम, जब ये ऑर्डर मैंने सुना तो मुझे लगा आत्महत्या कर लूं इस लखनऊ की धरती पे, ना जाऊं घर, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? फिर मैंने सोचा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कितनी प्रताड़ना झेली होगी, तो मैंने उनको अपना मोटिवेशन बनाकर, दशरथ मांझी को अपना मोटिवेशन बना करके फिर मैं आगे चला। ठीक है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा हमने, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं लड़ाई लड़ूंगा। और अभी हमारे समाज की ही माननीय राष्ट्रपति महोदय है, मैं उनको इच्छा मृत्यु का लेटर लिखूंगा कि अगर वो कह देंगी कि तुम अब मरने के लायक हो, तुम जाके मर जाओ, तो मैं सच में कह रहा हूं, मैं आपके चैनल से घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर राष्ट्रपति महोदय को मैंने लेटर लिखा और उन्होंने कह दिया कि तुम इच्छा मृत्यु के लायक हो, तुम करो, तुम इस समाज में जीने के लायक नहीं, क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब है आपके साथ हमारी सहानुभूति है, तभी हमने ये मुद्दे को उठाया है। आत्महत्या करना सही नहीं है इस पूरे मामले पर। आत्महत्या कायरों का काम है, हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे, इच्छा मृत्यु मांगेंगे कि हमारे जो बैठे, जो मलाई चाट रहे हमारे नेता, हमारे मंत्री, जो हमारे समाज में चुनाव से पहले हमको गले लगाते थे, तुम्हारा खून मेरा खून एक है। अनुप्रिया दीदी कैसे बोलती थी, ओबीसी समाज के लिए खून बहा दूंगी, एक एक सीट दिला चढ़ा है। आज हमारे हमारे खिलाफ ऑर्डर आया, एक ट्वीट आया उनका, एक उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताई हो, तो बताइए हम लोग क्या, हम किसके पास जाएं, हमारे पास कौन नेता है? हम केवल इस समय अकेले हैं, हमारे पास कोई नेता नहीं है। हमारे पास अब हमें याद आता कि हमारे इस समय वहां पर पेरियार होने चाहिए थे, मंडल होने चाहिए थे, हमारे साथ बाबा साहब होने, जो लड़ने, आजकल तो सब नेता में मलाई चाटने के लिए बने हैं, सब मलाई चाटने के लिए बने हैं। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा की ढीली पैरवी के कारण ये नतीजा सामने आया है। मैं अखिलेश यादव जी को भी 2017 के बाद समझ में आया ना कि वो समझने लगे थे कि हम अब शूद्र नहीं है, हम ओबीसी नहीं है। जब उनका गंगा जल से घर धुलाया गया तब उनको समझ में आया कि जब समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री का घर धुलाया तो हम तो आम इंसान है। तो उनको कल एहसास हुआ होगा कि इसी वजह से अगर हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ते तो कल मेरे साथ भी होगा। तो उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने हम लोगों को, हम लोग भूखे प्यासे थे, उन्होंने पानी और हम लोगों को थोड़ा जलपान कराया, तो हम लोगों की आत्मा को शांति मिली, कोई हमारे साथ है। तो माननीय अखिलेश जी ने हमको भरोसा दिलाया कि आप लोग संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी हम योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, हम उनसे, वो एक संत हैं, उनकी संत की नजरों में कोई जातिवाद नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमको न्याय दे, नियुक्ति दे। हमारी बहनें शादीशुदा बच्चों को लेकर के पड़ी हैं, कोई हम लोग क्या, हम लोग इसीलिए बने हैं? हर दम 3,000 साल से हम प्रताड़ना झेल रहे हैं और आज मतलब हम 2022 में जी रहे हैं और फिर भी आज हम प्रताड़ना ही झेलेंगे हमें।
तो आप बताइए हम लोग करें तो क्या करें। अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है माननीय योगी जी से कि वो बुलडोजर निकालें और इन अधिकारियों के खिलाफ चलाएं जिन्होंने हमारे घर में चूल्हा जलने से रोका है, हमारे 6800 परिवार में नौकरी देने से रोका है। मैम 6800 की यहाँ बात नहीं है, यहाँ 19,000 लोगों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन 6800 का लॉलीपॉप दिया था, वो भी लॉलीपॉप खत्म हो गया। हमें पूरा 27% आरक्षण चाहिए। अभय, जानकारी के मुताबिक कल अखिलेश यादव से अभ्यर्थी मिल सकते हैं, तो क्या कुछ आप अपनी बातें रखेंगे उनके सामने? उनको ये समझाएंगे कि ओबीसी एससी के साथ आप खुल के आके लड़िए, आपका समाज आपके साथ है। अगर वो नहीं खुल के, हम उनको अपनी पूरी बात रखेंगे, अपनी बताएंगे कि सर अगर आप अभी नहीं जगे तो ओबीसी एससी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने गले में मटका पीछे झाड़ू बांध कर रोडों पे निकलेंगे। उनको पूरी बात समझाएंगे किस किस प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं। मुक्ता कुशवाहा बहन का हाथ तोड़ा गया इसी लखनऊ की धरती में, राहुल मौर्या का सर फाड़ा गया इसी लखनऊ की धरती में, कितनी तस्नीम बानो बहन अपना घर जोड़ करके इस बीमार होकर लखनऊ से गई, कितने लोगों ने मतलब इसमें संघर्ष किया। तो सबका मैम सबके उनको समझाएंगे और उम्मीद है कि वो हमारी बातों को समझेंगे और इस ऑर्डर को चैलेंज करने में हमारी मदद करेंगे, जिससे हम अपना हक ले पाए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। अगर हम शिक्षक योग्य होने के बाद हम शिक्षक नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे, बेरोजगार आदमी क्या करेगा। लेकिन मैम हम लोग मजबूती से अपना केस लड़ेंगे और अखिलेश यादव जी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। जी अभय, देखिए तो लगातार अखिलेश यादव जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए, क्या आपको इससे कुछ मदद मिलेगी? मैम 2017 से पहले हमको ये लगता था जातिवादी देश में खत्म हो चुकी है, ये जातिवाद होता ही नहीं है, लेकिन 2017 के बाद हमें ज्ञात हो गया, जब मेरे ऊपर भी थी, कि जाति गणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना अगर नहीं हुई तो हम लोग साथ ऐसा ही होगा। हम मैम 85% लोग रोडों पे धक्के खा रहे, मक्का हमारे, हम कह रहे हैं जो ऊपर हमारी जगह ज्वाइनिंग पा गए, आप एक न्यूज चैनल या एक हम लोगों का ट्वीट या एक कभी हम लोग का आंदोलन देखे कि हमने उनको हटाने की बात की हो। हम लोग मैम कमेरावादी लोग हैं, हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, ना मन से, ना इच्छा से, ना किसी तरीके से, लेकिन इन लोगों के मन में है कि हमको ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अगर हम आगे बढ़ गए तो इनके सीने पे चढ़ के हम अपना हक मांग लेंगे, अगर हम मजबूत होंगे तो हमारी दो पीढ़ियां मजबूत होंगी, लेकिन ये होने नहीं देंगे। ये मैम जाति जनगणना बहुत जरूरी है, फिर से वही कि पिछड़े पावे 100 में 60, यही मुद्दा लेकर के हम आगे पढ़ेंगे और आज नहीं तो कल फिर पिछड़े 100 में से 60 पाएंगे और इसलिए हम लड़ेंगे। अब मैम यहाँ पिछड़ों की बात नहीं है, हम एससी समाज को भी साथ अब अपना मानने लगे हैं। हमारे 2017 पहले हमारी कोई जाति नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने को धन्यवाद कि हमारी जाति बताने का काम किया कि तुम शूद्र हो, तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, इस वजह से तुमको नौकरी नहीं देंगे, जिससे हम अपने घर से निकले, अपने संघर्षों के लिए लड़ना हमने शुरू किया। इस सरकार को धन्यवाद कि हमारे समाज को जगाने के लिए, हमारी जाति बताने के लिए धन्यवाद। अभय, सरकार ने तो कहा कि पारदर्शिता के साथ चयन हुआ, फिर आप लोगों का ये हंगामा। मैम आपको भरोसा है? आपको अगर पारदर्शिता के साथ ही तो 6800 कहां से आई, 6800 कहां से लिस्ट आ गई? माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो क्या मैम अपनी खुद की सरकार के खिलाफ ऑर्डर दे देगा? आप खुद सोच के बताइए कितना ये गुमराह करते हैं अधिकारी। इन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाएं योगी जी, हम उनके साथ हैं। इन अधिकारियों को सजा दें, जेल के पीछे भेजें, हम उनके साथ हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? पारदर्शिता अगर होती तो 6800 सूची आई कहां से? और मैम कोर्ट ने भी माना, तभी उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द किया पूरी सूची को फिर से बनाने के। अगर सूची सही थी तो कैसे मतलब दोबारा माननीय हाईकोर्ट ने उसको बनाने की इजाजत दे दी? अगर मैम सही होती तो क्या बनने की इजाजत दी जाती? मैम केवल ये लिस्ट ओबीसी एससी बहुजनों की, शूद्रों की, कमेरावादी लोगों की शोषण करने के लिए ये लिस्ट बनाई गई थी। और जब हमको हक मिला, वो हक नहीं लॉलीपॉप था, लेकिन एक साल बाद वो लॉलीपॉप भी हमसे छीन लिया गया। जी अभय, बिल्कुल आपने सही कहा, बुलडोजर हर समस्या का हल नहीं है। अगर देखें तो धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं, तो क्या जो आपकी मांग है इसको लेकर उनकी भी वही मांग है? नहीं मैम, हम बुलडोजर को हर समस्या का हल मांग ले रहे हैं, लेकिन केवल क्या ये उन्हीं लोगों पे चलेगा जो ओबीसी एससी होंगे, उन पे चलेगा? आप अपने अधिकारियों पे क्यों नहीं चला रहे जिन्होंने ओबीसी एससी की रोटी छीनने के? मैम आप विकास का मतलब है आप किसी का पेट भर दीजिए, लेकिन मैम हमें नौकरी नहीं दे रहा, हम अपना पेट भरने के लिए सक्षम है और आपको पता है कि नौकरी नहीं आने वाली है।
हम लोग कहाँ जाएंगे, हम योग्य हो करके, हमारे माँ बाप ने कितनी कठिनाइयों से हमको पढ़ाया होगा, हमको खेत गेहूं बेच करके हमारी फीस भरी गई थी, मैम हम क्या लड़ पाएंगे इनसे? हमको अगर हमें मजबूत बनाना तो हमें रोटी की व्यवस्था कराइए, और रोटी हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, जो हमने टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, उसके बाद भी संघर्ष किया, उसके बाद भी आप हमें नौकरी नहीं दे। आप बुलडोजर चलाना चाहते हो सब पे चलाइए, चलाइए आप प्रताप सिंह बघेल पे, चलाइए जिसने हमारे लिस्ट के साथ आरक्षण का घोटाला किया, चलाइए आप डॉक्टर सतीश द्विवेदी के घर पे बुलडोजर, चला पाएंगे आप? आपकी हिम्मत है? केवल आप पिछड़ों और दलितों का शोषण कर सकते हैं, उनका शोषण नहीं कर पाएंगे जिन्होंने ओबीसी एससी का शोषण किया है। अभय, तो जो हाई कोर्ट ने दोबारा लिस्ट बनाने के लिए कहा है, अगर उसमें भी आपको समाधान नहीं मिला तो आगे? हाँ मैम, मिल ही नहीं सकता। आप ऑर्डर को फिर से किसी बुद्धिमान वकील को बैठा लियो, पढ़ाइए, इसमें ओबीसी एससी का और हनन किया जाएगा, और हनन किया जाएगा। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको भी ओबीसी एससी को निकाला जाएगा। जो 90-97 का माननीय हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो कट ऑफ रखा गया था, उसको कह दिया गया 90-97 के बीच में जो आएगा वो आरक्षित वर्ग में काउंट होगा। तो उससे क्या होगा, जिन्होंने नौकरी पाई है उनको भी हटाया जाएगा, वो भी आकर के फिर रोडों में धक्का खाएंगे। केवल और ओबीसी एससी समाज का इसमें मतलब धोखा होगा, उनके साथ ये एक छलावा होगा। मैम, अभय, 25 अगस्त 2021 का जो मामला था उसको सरकार, उसको हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। मैं 25 अगस्त, मैम आपको तो पता है क्या फिर बार कि ये जो ऑर्डर लिखा गया, क्या ये माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये बताया गया है? नहीं, ये केवल और केवल सरकार की सोची समझी रणनीति है। मैम आपको अगर आप सोच के बताइए, अगर ये पारदर्शिता होता, सब कुछ इसमें सही, तो माननीय हाईकोर्ट क्या ये 69,000 शिक्षक भर्ती की ये सूची को रद्द करने का काम करता? उन्होंने अपने ऑर्डर में रखा कि आप सूची रद्द कीजिए, फिर से नई सूची बनाइए, उसमें सारे कानूनों को आप उसमें जो बेसिक शिक्षा नियम है उसको पालन कीजिए। लेकिन फिर उसके साथ इन्होंने एक और जोड़ दिया 90-97, जिसमें ओबीसी एससी बहुजनों का, कमेरावादी लोगों का केवल शोषण करने का काम किया जाएगा। जी, अब है मेरा फिर से वही सवाल आपसे रहेगा। हमने देखा कि धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, तो क्या जो आपकी मांग है वही मांगे महिलाओं की भी है? मैम हम तो फिर भी मर्द हैं, समझ लीजिए। आप लखनऊ की धरती पे आकर देखेंगे ना, आपकी अगर आंखें, आप एक महिला है ना, अगर आपकी आंखें ना भराए ना, तब आप कहिएगा लोग अपने बच्चों को ला रही है, समझ लीजिए, ना खुद खाना खा रहे ना बच्चे। ये केवल और केवल आज की डेट पे हो सकता है, तो ये बहुजनों के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है। किसी की औरतें मैम लखनऊ की धरती पर डंडे खा रही होंगी, उनके कपड़े फाड़े जा रहे होंगे, ये कहीं हो सकता है? आप बताइए, वो बच्चे भूखे प्यासे अपने, कितना वो उन्होंने क्या सपना देखा होगा कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, हम नौकरी पाएंगे, अध्यापक बनेंगे, समाज में अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, वो योग्य होने के बाद केवल लखनऊ की धरती पर संघर्ष कर रही है। कितनी शर्म की बात है, ये एक संत, एक योगी, एक जो अपने आप को योगी कहते हैं, अगर उनकी आंखों में पानी है तो आए खुले मंच पर, आए हमसे बहस करें। अगर वो हमको पिछाड़ देंगे तो हम नौकरी नहीं मांगेंगे, अगर वो योगी है तो आए इको गार्डन में हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का दर्द देखें, जिनका हाथ तोड़ा गया, जो आज खुले आसमान के नीचे मजबूर है संघर्ष करने के लिए। मैं कौन औरत चाहेगी कि शादी के बाद वो आकर के संघर्ष करे अपने बच्चों को लेकर? मैम क्या ऐसी ऐसी कई बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी टूट गई है, जिनकी शादी टूट जाएगी केवल इस योगी मतलब ये जो अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से। जी, अभय, अगर देखें सदन में विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन अखिलेश यादव ने ये मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनके पास तो मौका भी था। मैम देखिए, हम लोग खुद भी नहीं चाहते थे कि हमारा मुद्दा कोई उठाए, हम ये चाहते थे कि माननीय योगी महाराज द्वारा हम लोगों को न्याय दे दिया गया। हम लोगों ने साल भर जितना भगवान को धन्यवाद दिया, उतना योगी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ओबीसी एससी की आवाज सुनी और आपने तो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी पहले, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने मुद्दा नहीं रखा सदन में। नहीं नहीं मैम, हम लोग चाहते भी नहीं थे कि वो हमारा मुद्दा रखे, क्योंकि हमें न्याय मिल चुका था, तो हम योगी जी के धन्यवाद देते थे कि हमारा मुद्दा ना उठे। लेकिन हमको क्या पता था कि ये साजिश रची जा रही है कि एक साल बाद हमारी नियुक्ति होने के, एक साल बाद हमारी लिस्ट आने के, एक साल बाद भी हमको लॉलीपॉप दिया गया, वो भी जो हमसे छीन लिया जाएगा। तब हम लोग मजबूर होकर के अखिलेश जी के पास गए और उनसे कहा कि आप पुरजोर तरीके से हमारी आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं।
नहीं तो हम तो योगी जी को जितना भगवान को धन्यवाद देते थे ईश्वर को उतना हम योगी जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने पिछड़ों दलितों की आवाज सुनी। लेकिन मैम हम लोग गलत फहमी में थे, हम तो शूद्र हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम कमीर आबादी लोग हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमारे बीच के नेता हमारा वोट पा करके आज कैबिनेट में बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं है, हम दूसरों का क्या भरोसा रखें। अनुप्रिया दीदी पे तो हंसी आ रही है कि कितना उन्होंने हम लोगों के साथ लॉलीपॉप दिया, आशीष पटेल कितनी बड़ी, अरे आओ, आओ जबरदस्ती बुला करके फोटो खिंचवाने का काम किया गया है और आज जब हमारे साथ अन्याय हो रहा तो एक वो ट्वीट करने से डर रहे हैं। मैम समझिए कितने मतलब हमें दूसरों से ज्यादा अपने समाज के आने वाले मंत्री और ये अनिल राजभर पिछले समाज के नेता थे, हमने इनसे पिछली बार बात करी, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, इन्होंने बात करने के लिए उचित नहीं समझा। संजीव ये संदीप सिंह मैम आज हमारी बहनें बैठे नहीं, अगर ये इन सच में एक ओबीसी समाज से आते हैं और ये अपने आप को पिछड़ा कमेरावादी मानते हैं तो आकर के हमारे बीच बैठते, हमारी लड़ाई छोड़ देते हैं अपने पद से। कल्याण सिंह के ये सुपुत्र हैं, उन्होंने वो इतने मतलब जज्बाजी थे कि उन्होंने एक के करके अपने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। आप आइए समाज के साथ, आपको समाज ने मंत्री बनाया, आप आइए अपना पद छोड़िए, हमारे साथ संघर्ष कीजिए, आपकी राजनीति और आगे बढ़ेगी। लेकिन नहीं, आपको तो मलाई चाटनी है, आपको मलाई चाटनी तो आप पिछड़ों के साथ कहाँ खड़े होगे, आप केवल वोट लेने तक आप पिछड़े हो, उसके बाद आप भूल जाते हो, उसके बाद केवल और केवल आप टट्टू हो। अब आप सबका आगे का एक्शन क्या कुछ होगा? मैम हम लोग पिछड़े दलित क्या कर सकते हैं, बस संघर्ष हमारे हाथ में है। हमने आपसे फिर से कहा हम लोग दशरथ मांझी को मानने वाले लोग हैं, हम उन्होंने संघर्ष करके रोड बनाए, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, हमारे हाथ में बस और बस संघर्ष है। हम लोग पेरियार को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं, हम लोग के हाथ में क्या है, हम लोगों ने संघर्ष किया था, हम लोगों की जब से उत्पत्ति हुई कि जब से ये दलित और शूद्र बने होंगे तब से हम केवल संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी हम संघर्ष करेंगे। हम लखनऊ की रोडों पे उतरेंगे और इस सरकार को बताएंगे कि हम कमेरावादी लोग कितने ताकतवर हैं और आपसे अपना हक हमने ना छीन लिया तो मैं इच्छा मृत्यु के साथ आत्महत्या कर लूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं। जी अभय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमने आपका मुद्दा इसलिए उठाया ताकि सरकार आपकी आवाज सुने और इसका समाधान हो सके। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछड़े दलितों की आवाज उठाने का काम किया, क्योंकि ये आप ही लोग कर रहे हैं, नहीं कुछ तो पत्रकार है वो पता है गोदी मीडिया, वो हम तो आवाज बिल्कुल आवाज, हम आपकी आवाज आगे भी उठाते रहेंगे, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी आवाज आप आगे पहुंचाए, आपको धन्यवाद और हम लोगों को न्याय दिलाइए, पिछड़ा दलित कमेरावादी लोगों के साथ आप खड़े रहिए, आपको बहुत बहुत पूरे समाज की ओर से धन्यवाद। जी अभय बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो ये आप पीड़ित अभ्यर्थी को सुन रहे थे जो अपनी मांगों को लेकर लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, वही बड़ी संख्या में पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 2018 से जो संघर्ष शुरू हुआ था वो आज भी लगातार संघर्ष जारी है, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जा रखे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।